नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कस्बा रहन के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनएसएस के वॉलंटियर्स ने चचेहड़ स्थित एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों के आश्रम को 10,000 रुपये अपने जेब खर्च से बचाकर डोनेट करके मिसाल पेश की। विद्यार्थियों अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को ऐसे बच्चों की सहायता के लिए योगदान देना चाहिए। पेश है संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। सर, आज यहाँ आप यहाँ दिव्यांग बच्चों के पास आए हैं, क्या मोटिव लेके आए थे? हम जहाँ एनएसएस यूनिट के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए धन राशि इकट्ठी करके वॉलंटियर के द्वारा डोनेट करने हैं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा व ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए जो है मैसेज ले सकें, और वो आगे जब भी अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे, जब भी जॉब में जाते हैं, तो ऐसे कामों में वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। सर क्षितिजा, हम सीआरसी स्कूल से हैं और मैं प्लस टू क्लास में हूँ। सर, हमारा यहाँ आने का मोटिव यही है कि हम जाने कि हमारे जो नेबर में एक एनजीओ खुली है, हम उसके बारे में खुद जाने और लोगों को उस बारे में बता सकें कि ऐसे डिसेबल्स के लिए यहाँ खुला है। बाकी साथ में हमारे स्कूल ने इनके लिए डोनेशन दिया है, जो कि इनके लिए भी बहुत ज़्यादा। सर पूरे स्कूल ने, एनएसएस यूनिट है। नंदिनी ठाकुर, प्लस टू जी। पता था आपको यहाँ एक एनजीओ खोला हुआ है या किसी से पता चला? अरे नहीं, पता था। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली डोनेशन की? एनएसएस की तरफ से। साजिद खान, कहाँ से हो आप? फर्रुखाबाद। कौन सा स्कूल है आपका? सीआरसी। तो आज यहाँ किस लिए आए? सर, इन बच्चों को देखने और यहाँ पर व्यवस्था को देखने, किस प्रकार की व्यवस्था है और यहाँ पर किस प्रकार के नाथ बच्चों को रखा जाता है और कैसे उनकी खान पीने और सही प्रकार की चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आज आप यहाँ विजिट किया है, देख के क्या महसूस किया हुआ? सर, अच्छा महसूस हो रहा है सर, सभी बच्चों को देख के। अच्छा सर, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे बच्चों से प्यार भावना से पेश आएँ और उन सभी की सहायता करें। सर कोमल कालिया, मैं प्लस टू क्लास सीआरसी के एनएसएस यूनिट की स्टूडेंट हूँ। और सर यहाँ आने का मेन मोटिव ये था कि सर जो इन बच्चों के सर इनको हम फील करना चाहते थे, ताकि जब हम एक अच्छे लेवल पे पहुँचे तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें, ताकि ये भी आगे बढ़े अपनी जिंदगी। अभी आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या जो और संस्थाएं हैं उनको सर करने चाहिए? बट वो अपनी अपनी थिंकिंग है सर। जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, एक अच्छे ऑफिसर बने, तो हम यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और सर हर किसी के इक्वल हो, उनके साथ किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं। एंड आई एम फ्रॉम सीआरसी रहन, आई एम स्टूडेंट ऑफ प्लस टू क्लास। एंड सर, हम आज लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे एनजीओ को देखने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे जो है वो रह रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और सर इन सबको देख के अच्छा भी लगा, थोड़ा फील भी हुआ कि मतलब इनके बचपन में ये मतलब डिसेबिलिटी इनको होगी और हमें से जितना हो सका हमने उतना इनको कंट्रीब्यूट किया। सर, एक मैं बात जरूर आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो समाज है उसको क्या बोलना चाहोगे? समाज को हम ये बोलना चाहेंगे कि इस प्रकार के बच्चों को मतलब हेल्प की जाए और जितना हो सके उतना इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए और जगह जगह पे ऐसे बच्चों के लिए मतलब एनजीओ खोले जाए। सर, मेरा नाम शमनम है, मैं सीआरसी स्कूल की एनएसएस वॉलंटियर हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं सर, हमने सारा कलेक्शन इकट्ठा किया है कि यहाँ पे छत्तर में एनजीओ खुला है इन सबकी हेल्प करने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट है वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ करे कि इनसे इनकी हेल्प हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे कि इनको मनी भरा दिए सर जैसे एजुकेशन के लिए, तो जिससे इनकी हेल्प हो जाएगी और सर जैसे कि अगर ठीक हो जाएंगे तो आगे जाके ये हाँ हमें वो करेंगे। इस वजह से मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करे। सर, मेरा नाम साक्षी है, मैं प्लस टू क्लास की छात्र हूँ, मैं सीआरसी रहन से हूँ। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इनसे ऐसे छात्रों ऐसे बच्चों की हेल्प करें और जैसे सड़क साफ पे मांगते फिरते हैं उन्हें ना देकर ऐसे एनजीओ में डोनेट करें।